Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunthinagar, Navada. Today, we are going to start new chapter. The chapter is, name of the chapter is Friction. This is the first video lecture of the chapter Friction. This chapter, I have already explained during this, I have already introduced during live class and things which I have explained during the live class, all those things I will write now and that you will write in your paper, and I will explain once again. This I am doing just because not all of you are coming in the live class. If every one of you come to the live class, if you remain present during live class, I won't have to make this video. This video I am making just because you are not attending, 100% attendance is not there. So, see, I am warning you, बार बार आप लोग को हम ये warning दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाबू आ जाओ, बेटा आ जाओ, आप लोग सुन नहीं रहे हो. एक बात बता देते हैं, किसी दिन ऐसा हो जाएगा, हम एक बार चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं, कोई एक टॉपिक जो रहेगा वो लाइव क्लास में सिर्फ बताएंगे, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे. और तुम अगर पूछने आया हमसे कि सर ये टॉपिक हमसे छूट गया, फिर सोच लेना कि हम उस दिन क्या करेंगे. बहुत परेशान कर रहा है, हमको परेशान करेगा, हम परेशान कर देंगे. सिंपल सी बात है, जब तुमको बोल दिया गया है कि लाइव क्लास में आना है, तुम आओ, देखो, समझो. नहीं समझ में आएगा तो फिर तो हम हैं ही. आप आइए लाइव क्लास के समय, आप प्रेजेंट रहिए और जो हम समझाए उसको सामने फीडबैक देते हुए आप समझिए. अब वीडियो बना दे रहे हैं, होता क्या है कि कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है. गार्जियन का शिकायत है, सर दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहता है, बच्चा कुछ पढ़ता नहीं है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको लाइव क्लास में हर कोई चाहिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं. अब हम सिर्फ लाइव क्लास में ही बताएंगे और ये वीडियो वगैरह हम छोड़ देंगे बनाना के लिए. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो चाहे लाइव क्लास, हम कैसे भी कर सकते हैं. आप लोग का काम है, आप लोग आराम से अपना लाइव क्लास में जो भी बता रहे हैं वहीं से नोट्स भी बनाना है और आपको खुद से सब कुछ करना है. ये बहुत हो गया वो चम्मच से खिलाने वाला, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा. चलिए, एज आई हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लाइव क्लास, व्हाट इज फ्रिक्शन. If you remember the chapter force and pressure, in that I have explained you force is of two type, that is contact force and non-contact force. And in contact force I have told you friction is a type of contact force. Contact force matlab kya? When two object is in contact, physical contact, then contact force. अब जैसे magnet iron को खींच रहा है तो मैग्नेट आयरन के कांटेक्ट में नहीं है, वो दूर से भी आयरन को खींच सकता है, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है. मगर अगर हमको इस हाथ को धक्का देना है इस हाथ से, तो हमको इसको टच करना पड़ेगा. द फोर्स फॉर विच यू हैव टू कम इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. पहले ही बता चुके हैं, friction is a type of contact force, and it always opposes motion. ये हमेशा क्या करेगा, object को motion में रुकावट पैदा करेगा. मतलब it will always oppose, it will always hinder. Hinder मतलब रुकावट पैदा करना in the motion. So अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा मतलब ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस तरफ से लगा रहे हैं. अगर मान लीजिए एक बॉल है, वो ऐसे करके रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में. मतलब एक चीज सिर्फ फिक्स है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं
एक ये बुक है टेबल पे रखा हुआ है, आप इधर से इस पे ताकत लगा रहे हैं तो कुछ ताकत लगाएगा तो हो सकता है बुक ना मूव करे, थोड़ा और ताकत लगाइएगा तो मूव कर जाए। तो ये जो ताकत लगाना पड़ा, आपको याद है हम बोले थे कि एक टेबल है, इस टेबल पे हम एक न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और एक न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ये टेबल नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहा है। जैसे ही इधर से एक न्यूटन फोर्स ज्यादा लगने लगेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। इसका मतलब अब इसको ऐसे समझो, ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कि इस पे आप एक न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये नहीं मूव कर रहा है, अगर मूव कर गया तो ठीक, अगर नहीं मूव कर रहा इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो जब इस बुक को आप धक्का दे रहे थे लेफ्ट टू राइट, देन देयर वाज अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो सिंस यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द फ्रिक्शनल डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स वाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। When you started applying force from right to left, the direction of the frictional force also changes. It changes from left to right. So, frictional force ka direction always depend karega. Kis cheez pe depend karega? Aap kis direction mein force laga rahe hain? Theek hai? Chaliye dekhiye. Isko padhiye to samajh mein aayega. ये सब चीजें नहीं बनानी है जो है। देखिए, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करना, विरोध करना। इट ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, मींस जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो लगेगा। दैट इज इट आइदर स्लोज डाउन, अगर मान लो ये बॉल यहां से रोल कर रहा था, इस डायरेक्शन में वो रोल कर रहा था और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो ये क्या किया, इस बॉल को पीछे फोर्स लगने का, धीरे 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 बॉल स्लो हो गया और रुक गया। सो इट ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, दैट इज इट आइदर स्लोस डाउन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे वो स्लो कर देगा, और प्रिवेंट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को फ्रॉम मूविंग, रुके हुए ऑब्जेक्ट को ये चलने नहीं देगा, मतलब स्लाइड नहीं होने देगा, और चलते हुए ऑब्जेक्ट को ये रोक देगा। सो दीज टू आर द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एंड द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन इज टू slow down the moving object or stop it, and it prevent the stationary object from moving. रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करने से ये रोकेगा और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को ये रोक देगा। सो दिस इज फ्रिक्शन। दो बातें याद रखनी है, ये अपोज करता है मोशन को और ये हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, उस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या जिस डायरेक्शन में आप फोर्स। अभी जैसे मान लो ये बॉक्स है, आप इस पे इधर से धक्का लगा रहे हो, अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉक्स अभी भी रुका हुआ, फिर भी एक फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट, अभी मोशन तो नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, इट ऑलवेज एक्ट ऑन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन विच, मींस डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा, या जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। बात इतनी सी बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और बोल रहे हैं, व्हेन यू रब योर हैंड गेट हीटेड, सो फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सो टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, ये हमेशा मोशन को रोकेगा, एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। चलिए,
अभी बात कर लेते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर याद है, वो घसते हैं ना, मिट्टी पेंट वेंट करना होता है तो साफ करते हैं, या कहीं जंग लग गया है तो उसको साफ करते हैं, तो उसके उसके तरफ अंदर का जो पोर्शन होता है वो इतना रफ होता है, उसको हाथ पे ऐसे कीजिए तो बहुत घर से बहुत तकलीफ होगा आपको, क्योंकि उधर का सरफेस ना उठा हुआ है, बैठा है, कहीं गड्ढा है, कभी उठा है, रेत के कारण इरेगुलर सरफेस है। और अब क्या कीजिए, एक सैंड पेपर ये है, एक सैंड पेपर ये है, दोनों को एक दूसरे पर रख के हिलाने का कोशिश कीजिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका रफ सरफेस, ये भी रफ सरफेस, दोनों एक दूसरे में फंस जाएगा और इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मूव। सो फ्रिक्शन हैपेंस ड्यू टू इरेगुलरिटी। व्हाट इज इरेगुलरिटी? देखिए, टाइप ऑफ सरफेसेस, सरफेस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस किसको कहेंगे? मतलब एकदम प्लेन है, बराबर है, ये आइडियल है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। चाहे कितना भी आप स्मूथ सरफेस देखिए, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा तो थोड़ा बहुत तो उसमें इरेगुलरिटी है। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि ये एक बोर्ड है और यहाँ पे एक ग्लास होता, छूने से तो ये भी स्मूथ लगेगा और आईना जो है वो भी हमको स्मूथ लगेगा। यस सर, एक नॉर्मल पेन लीजिए, हम कह रहे हैं ये कॉपी, ये जो कॉपी है ये स्मूथ लग रहा है छूने में, ये भी स्मूथ लग रहा है छूने में, इस पे कलम चलाइए नहीं लिख पाए, इस पे चलाइए लिख पाए, क्यों है ऐसा? क्यों? हमको दोनों रफ, दोनों स्मूथ लग रहा है मेरे लिए, मगर जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो सरफेस है वो इस सरफेस से स्मूथ होगा, ये थोड़ा रफ होगा, रफ है इसीलिए वो लिख पाया वहां पे पेन। सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में स्मूथ सरफेस नहीं है, मगर हम मान के चलते हैं कि स्मूथ सरफेस होता है। तो सरफेस दो प्रकार के होते हैं, या तो स्मूथ होगा या रफ होगा। रफ किसको कहेंगे? जब किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब बहुत नजदीक से जब उसको देखा जाएगा तो उसमें देखेंगे कि उसमें टाइनी ग्रूव्स एंड हिल है, टाइनी ग्रूव है, टाइनी हिल है। ग्रूव मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ ये, और हिल मतलब बाहर की निकला हुआ, तो इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे नॉर्मली तो वो आपको स्मूथ ही लगेगा, ये भी स्मूथ लग रहा है हमको और ये कॉपी भी स्मूथ लग रहा है। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे इसमें भी ग्रूव होगा, इसमें भी ग्रूव होगा, इसका ग्रूव ज्यादा होगा इस कॉपी का इसके कंपैरिजन में, इसीलिए क्योंकि ये रफ है, अगर रफ नहीं होता तो मेरा पेन इस पे लिख नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? चलिए, टाइनी हिल्स एंड टाइनी ग्रूव, दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू। नाउ द टाइनी, अब ये देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, द टाइनी ग्रूव्स और हिल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। इरेगुलरिटी मतलब इरेगुलर है। इमेजिन करो सैंड पेपर, उसमें कितना ग्रूव और हिल होगा? बहुत होगा। अभी एक सैंड पेपर को लो और उसके ऊपर दूसरा सैंड पेपर को रख दो, अभी क्या होगा, ऊपर वाला सैंड पेपर का हिल जो है नीचे वाले सैंड पेपर के ग्रूव में जाके धंस जाएगा, और नीचे वाले सैंड पेपर का जो हिल है ऊपर वाले सैंड पेपर के हिल में ग्रूव में जाके धंस जाएगा। देखिए इस प्रकार से ऊपर वाले का हिल जो है नीचे वाले के ग्रुप में धस गया, और नीचे वाले का हिल जो है ऊपर वाले ग्रुप में जाके धस गया। अगर ये धस गया, एक दूसरे में लॉक हो गया, तो इसी को कहते हैं इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस अगर वो रफ है तो उसका जो हिल और ग्रूव है वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगा, और इंटरलॉक हो जाएगा। अभी मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, हम बोल रहे हैं कि एक शीशा का, एक शीशा ऐसे लीजिए और एक और शीशा लीजिए ऐसे, उसको एक दूसरे पर रखिए और उन दोनों को मूव करने का कोशिश कीजिए। चूंकि ये दोनों स्मूथ है, इसमें हिल्स एंड ग्रूव कम है, वो आसानी से स्लाइड कर जाएगा। वही एक सैंड पेपर लीजिए, दूसरा सैंड पेपर लीजिए, इसमें हिल और ग्रूव ज्यादा है, इरेगुलरिटीज ज्यादा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है इसका मतलब मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं
that the friction is due to interlocking of the irregularities of the surface. If the surface is not irregular, it means surface is smooth. And if surface is smooth, then there will be less friction. And if surface is rough, there will be more friction. तो हम कह सकते हैं friction depends upon the nature of the surface. सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ग्रूव और हिल नहीं है. स्मूथ में बोले ना, ग्रूव और हिल नहीं है तो वो इंटरलॉक होगा ही नहीं. इंटरलॉक नहीं होगा तो आसानी से स्लाइड करेगा एक दूसरे पे. और अगर सरफेस रफ है तो ग्रूव और हिल्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे एंड दिस विल प्रिवेंट द मोशन. So this is called interlocking of the surface and this is these irregularities. ये सब क्या है? Irregularities है. और ये irregularities क्या करेगा? Friction के लिए जिम्मेदार है. और लिखते हैं फिर लिखना, ठीक है? Okay. So अभी बताया आपको interlocking के कारण ही surface जो होते हैं means hill और grooves के कारण ही surface interlocked हो जाते हैं. तो देखिए क्या कह सकते हैं. सो वी कैन कंक्लूड और वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. मतलब दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इनके बीच का जो इररेगुलरिटी है उसका लॉक होने के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं. तो हम यहां पे कह सकते हैं काउज, दिस इज द काउज ऑफ फ्रिक्शन. इसके कारण फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन किसके कारण होता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस विच आर इन द कॉन्टैक्ट. जो कॉन्टैक्ट में है उसके कारण जो उनका जो इररेगुलरिटी होगा उसका लॉक हो जाना ही फ्रिक्शन को जन्म देता है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब पहले अभी के डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि द नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. मतलब सर्फेस के कॉन्टैक्ट का नेचर कैसा है, वो सर्फेस कैसा है. क्या वो दो ग्लास सर्फेस है जो स्मूथ है, या दो सैंड पेपर सर्फेस है जो कि रफ है. तो अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम. सो यहां पे लिखा हुआ है रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन. इसको समझने का कोशिश करते हैं. एक स्लैंटिंग एरिया बनाते हैं. स्लैंट मतलब ये ढलान है. और ये है टाइल्स फ्लोर. ये टाइल्स का फ्लोर है. घर में आपके होता है ना टाइल्स का फ्लोर, ये टाइल्स का फ्लोर है. अभी यहाँ पे एक बॉल रख दिए हैं इस हाइट पे, इस हाइट को फिक्स कर लेना है. और यहाँ पे इस बॉल को रख के छोड़ दिए हैं. ये बॉल गुड़कते 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 टाइल्स में होते 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 कुछ दूर जाएगा, छोड़ देना है जब जाकर रुके, जहां जाके रुके. तो मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पे जाकर रुक गया. मान लिए कि ये 10 मीटर पे जाकर रुक गया. अभी क्या किए हैं, अभी इसी स्लाइड को मतलब इसी स्लोपिंग को घर में जो कारपेट होता है, कारपेट देखे वो जिसमें वो मतलब होता है डिजाइन बना हुआ था, कहीं उठा हुआ है कहीं बैठा हुआ है, हिल एंड ग्रूव्स वगैरह ज्यादा होते हैं उसमें. सो अगर मान लो दूसरा केस में हम अगर कारपेट लिए हैं, हम कारपेट नहीं लेके हम ये कर सकते हैं टाइल्स पे नहीं करके ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब फ्लोरिंग अच्छा से नहीं हुआ है, वहां भी कर सकते हैं. तो कोई भी रफ सरफेस होना चाहिए. हम आपको नॉर्मल कहने के लिए कारपेट, आप मिट्टी पे कर सकते हैं, मिट्टी के सरफेस पे, मिट्टी का सरफेस और ये कह सकते हैं नॉर्मल ग्राउंड, मतलब जहां टाइल्स नहीं लिखा हुआ है मिट्टी का सरफेस है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फिर से उसको जहां से पहली बार बॉल को छोड़े थे दूसरी बार फिर वहीं से छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये गुड़ते 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 मान लो यहां आकर रुक गया. पहला बार में यहां आके रुका था तो दूसरा बार में डेफिनेटली वो 10 मीटर से पहले रुकेगा. क्यों? क्योंकि पहले केस में टाइल्स था और टाइल्स जो है वो स्मूथ है
और अगर सरफेस स्मूथ है इसका मतलब लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन मतलब लेस अपोजिंग फोर्स, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, हम बोले लेस फ्रिक्शन मतलब लेस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है मतलब अपोज करने वाला फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब ये दूर तक जाएगा। अगर सरफेस रफ है जैसा कि कारपेट है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि ज्यादा मोर अपोजिशन होगा, मोर अपोज करेगा तो ये बॉल जो है थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। एक ये एक्टिविटी है। दूसरा है स्प्रिंग बैलेंस, एक और समझ लो उसको भी समझ लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस एक प्रकार का तराजू होता है, आप घर में देखिएगा वो सिलेंडर वगैरह जो बेचने सिलेंडर आपके सिलेंडर घर में पहुंचाने आता है वो स्प्रिंग बैलेंस से तराज करता है, मतलब तौलता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे वेट टांगा जाता है और यहाँ पे मार्किंग किया हुआ होता है और ये कैलिब्रेटेड होता है, मतलब इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि 1 kg वजन डालेंगे, अगर 1 kg वजन डालेंगे तो पूरा स्प्रिंग इतना फैलेगा और इतना फैलेगा तो ये जो पॉइंटर है अब बताने लगेगा यहाँ पे और ये बताएगा 1 kg, यहाँ पे 0 kg, यहाँ पे 2 kg। अब इसको मान लीजिए कि बटखारा आप अब यहाँ पे 2 kg का वजन डालिएगा तो ये इस प्रकार से बनाया गया है कि स्प्रिंग और फैलेगा और ये जो पॉइंटर है ये बताने लगेगा 2 kg। स्प्रिंग के फैलने के कारण ये इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अभी देखो मान लो कि ये इस स्प्रिंग बैलेंस को हम एक हाथ में इधर से पकड़ ले, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस हाथ में पकड़ ले, हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये जो वेट है ये जो पॉइंटर है वो 1 kg 2 kg बढ़ाएगा बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो हम ताकत लगा रहे हैं अगर 1 kg के बराबर आया तो मतलब हम 1 kg के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, हम और ताकत लगाएंगे तो वो जो पॉइंटर है 2 kg तक आ जाएगा तो 2 kg के बराबर फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए इसी को समझने का कोशिश करते हैं। जमीन पे नॉर्मल ग्राउंड पे एक ईट रखा हुआ है, एक ब्रिक रखा हुआ है, उस ब्रिक को जमीन पे रखे हैं तो आप जानते हैं ब्रिक भी रफ है जमीन भी रफ है और इसको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट करके और इसको जेंटली खींच रहे हैं, तो जब इसको खींचने धीरे से खींचना शुरू करेंगे हम तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये पॉइंटर है ये पॉइंटर पहले मूव करना शुरू करेगा, तो ये 0 से बढ़ते 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 मान लो 1.5 केजी तक पहुंच गया और उसके बाद ये ईट जो है वो मूव करने लगा, तो इसका मतलब 1.5 केजी का फोर्स लगाए आप तब जाके ये ईट मूव करने लगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी एक्टिविटी को फिर से करना है, इस बार क्या करना है कि एक प्लास्टिक से इसको कवर कर देना है, इसको कवर कर देना है और इसको इस स्प्रिंग बैलेंस में बांध के और इसको इसी प्रकार से खींचना है, तो क्या इस बार जो फोर्स लगेगा वो 1.5 केजी से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? जी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा अभी बताते हैं आपको। तो देखिए पहला केस में दो कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या था, ब्रिक था और ग्राउंड था, और दूसरा केस में कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या था, ऊपर में प्लास्टिक था और नीचे में ग्राउंड था, तो प्लास्टिक तो स्मूथ सरफेस हो गया और ग्राउंड जो हो गया वो रफ हो गया, ग्राउंड यहाँ रफ हो गया और ब्रिक यहाँ पे रफ हो गया, तो दोनों रफ था तो दोनों का इंटरलॉकिंग ज्यादा हुआ होगा, तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा था और इसमें क्या है एक में एक रफ था और एक स्मूथ था, क्योंकि प्लास्टिक पे कांटेक्ट में तो प्लास्टिक ही था ना, ईटा तो प्लास्टिक के ऊपर रखा हुआ था, तो इसका मतलब अभी क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। सो कह सकते हैं इस दिस एक्टिविटी हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, रफर द सरफेस मोर विल बी द फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों रफ था तो ज्यादा फ्रिक्शन लगा, फोर्स 1.5 केजी लगा, दूसरे केस में
स्मूथ था सरफेस, एक सरफेस रफ रफ था, दूसरा स्मूथ था, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन जो भी लगे, वजन जो भी लगे, 1.2 रहे, 1 केजी रहे, जो भी लगे, मगर वो 1.5 से कम होगा। सो कम फोर्स में ही अगर आप मूव कर दिए, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स भी कम था। चलिए, तो इसका मतलब इस दिस दो एक्टिविटी से हम लोग कह सकते हैं, रफर द सरफेस मोर विल बी द फ्रिक्शन, स्मूदर द सरफेस लेस विल बी द फ्रिक्शन। अच्छा, द वेट ऑफ द बॉडी, अब सिंपल सी बात है, अब एक ईट था, ये प्लास्टिक हटा दो, अब एक ईट था, एक ईट था, और इस एक ईट को खींचने में 1.5 केजी का वजन लग रहा था, अब इसके ऊपर एक ईट और रख दिए हैं, फिर से आपको इसको खींचे लगेगा, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा जो भी फोर्स लगेगा वो लगभग 3 केजी के बराबर लगेगा, क्योंकि दो ईट रख दिए हैं। तो इसका मतलब मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन। सो दो फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ है, और वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट कैसा है। चलिए एक और बात, थोड़ा सा अब एक दो लाइन तो कम से कम हम आगे बढ़ेंगे, आज हमको ये सिर्फ समय बर्बाद किया आप लोग के गलती के कारण, अगर आप लोग सब लाइव क्लास में होते तो हमको ये तकलीफ नहीं देना झेलना पड़ता, हम आराम से आगे बढ़ जाते, आप लोग एकदम परेशान करके रखे, आइए लाइव क्लास में पढ़ो, आप ही को फायदा है, मेरा क्या है, हमको पढ़ेंगे, मेरा काम है। चलिए टाइम ऑफ फ्रिक्शन देखिए, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तीन प्रकार के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसको एकदम लेमैन की भाषा में समझ लीजिए, मतलब एक गवार की भाषा में, एकदम मतलब जो एकदम अनपढ़ है उसके भाषा में समझ लीजिए, दो सरफेस, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये दोनों अगर मूव नहीं कर रहा, ये इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा और ये भी नहीं मूव कर रहा, दोनों रुका हुआ है, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर इन स्टेशनरी कंडीशन, इट मींस द हिल्स इररेगुलरिटी ऑफ द सरफेस गेट सफिशियंट टाइम टू इंटरलॉक, इसका जो इररेगुलरिटी है, जो हिल्स एंड ग्रूव्स है वो को इंटरलॉक होने का समय ज्यादा मिलेगा, और अगर वो इंटरलॉक हो जाएगा तो इसका मतलब जब इस ऑब्जेक्ट को आप धक्का दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट को, इफ यू वांट टू पुश दिस ऑब्जेक्ट ओवर दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट विच इन कॉन्टेक्ट आर एंड आर रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रिक्शन, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब कोई मूव नहीं कर रहा हो, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अभी मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये हल्का 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 इस पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इस पे यूनिफॉर्म स्पीड से ये स्लाइड कर रहा है, ऐसे है, स्लोपिंग है, ये धीरे 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 सरक रहा है, तो फिर भी तो फ्रिक्शन होगा इसके और इसके बीच में, तो ये फ्रिक्शन को बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द अदर ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बहुत समझने वाली बात है। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो इंटरलॉकिंग आसानी से होगा, तो इसका मतलब अगर इंटरलॉक सफिशियंट हो गया तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, और अगर मान लो ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो इंटरलॉक होने का सफिशियंट समय नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये इसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो यही दो ऑब्जेक्ट है,
यही रफनेस, यही दो ऑब्जेक्ट, इसी दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। जब ये रुका हुआ है इसके ऊपर, तो अभी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और उसका जो वैल्यू होगा वो, अगर मान लो ये इसके ऊपर सरक रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट बदले नहीं है, इस वक्त ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन वो स्टैटिक है कि स्लाइडिंग है, मतलब स्लो, मतलब कम स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि वो दोनों रुका हुआ है कि मोशन में है। अगर ये दोनों रुका हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन स्ट्रॉन्गर है, और अगर ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है तो वो थोड़ा सा कम होगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका डेफिनेशन को हम दे ही देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे वीकर होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन ये वीकेस्ट होता है। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, व्हेन ए बॉडी रोल ओवर द अदर बॉडी। जैसे मान लेते हैं बॉल है, बॉल किसी बॉडी पे रोल कर रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। पहले क्या होता था कि आप अटैची था, अटैची ले जाते थे तो उसको घसीट के ले जाते थे, तो उस समय जो फ्रिक्शन उस पे लगता था वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। अब उसमें पहिया लगा दिए हैं, पहिया लगा के जब उसको ले जाते हैं तो वो आसानी से चल जाता है, वजन उतना ही है। 50 किलो का सूटकेस था आपका, पहले भी 50 किलो का सूटकेस है, अभी भी, पहले आप जब उसको घसीट के ले जाते थे तो पसीने पसीने हो जाते थे, अभी उसमें 50 किलो है, सिर्फ उसमें व्हील लगा दिए हैं तो वो हो गया है, आसानी से ले जाते हैं। तो इसका मतलब पहले स्लाइड करते थे, अब उसमें रोल करते हैं, तो स्लाइडिंग में ये रोलिंग से ज्यादा मजबूत था, इसलिए स्लाइडिंग में ज्यादा ताकत लगाना पड़ता था, रोलिंग में कम ताकत लगाना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन स्टैटिक, स्लाइडिंग रोलिंग, सबसे कम फ्रिक्शन का फोर्स किसमें, रोलिंग, उससे ज्यादा स्लाइडिंग, उससे ज्यादा स्टैटिक। आइए लाइव क्लास में मजा आएगा, ये पढ़ने में मजा आएगा, ये समझाएंगे, बहुत एग्जांपल्स देंगे आपको जो आपको ये पिक्चर क्लियर करेगा। आइएगा लाइव क्लास में जरूर।